नए साल के जश्न को देखते हुए अवैध शराब व्यापार निगरानी रखने हेतु कलेक्टर इंदौर की निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के निर्देशन एवं कंट्रोलर श्री राजीव द्विवेदी नेतृत्व टीम का गठन किया गया। दिनांक 31 को टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर बाईपास के पास ग्राम पिपलिया कुमार में छापा मारने पर आरोपी राजेंद्र कुशवाहा के आधिपत्य से स्विफ्ट डिजायर वाहन में 9 पेटी विदेशी मदिरा बरामद हुई है। इसी टीम द्वारा दूसरी कार्रवाई में दबिश देने पर एक दूसरी स्विफ्ट डिजाइन कार 7 पेटी देशी मदिरा मसाला बरामद हुई है। टीम द्वारा तीसरी कार्रवाई में एक फोर्ड आइकन कार में 7 पेटी देशी मदिरा जब्त की गई है। टीम द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 3 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। कार्रवाई में कुल 3 वाहन व 210 बल्ट लीटर मदिरा जब्त की गई है, जिसकी कीमत 16,67,000 रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई ADEO KK विश्वकर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सुनील मालवीय द्वारा की गई है, जिसकी विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक सुनील मालवीय VD अहिरवार लक्ष्मीकांत रामटेक द्वारा की जा रही है। कार्रवाई में आरक्षक कमलेश निहोर के साथ सतीश शर्मा विपुल खरी की महत्वपूर्ण योगदान रहा।